लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखा था, और हमने देखा था कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है। फिर हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, हमने देखा था कि ए डॉट बी मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे हमने। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट का अनदर नेम है वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू अ यूनिट वेक्टर एन। क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें वेक्टर मिलता है, और वेक्टर में एक डायरेक्शन होता है, सो यह एन उसी डायरेक्शन को डिनोट करता है। एन इज डिफाइंड एज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये जो एन है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो इसको समझते हैं हम। ये फिगर काफ़ी छोटा है, सो इसे मैं बड़े स्पेस में ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज थीटा। ओके, सो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज इनटू साइन थीटा। यहाँ तक तो काफ़ी आसान है, लाइक द डॉट प्रोडक्ट। बट यहाँ जो एन यूनिट वेक्टर है इसे हमें एक्सप्लेन करना है, और बाय थ्योरी एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो ए और बी के परपेंडिकुलर दो हम खींचते हैं वेक्टर। सो यह वेक्टर ए है, और इसके परपेंडिकुलर सो एक यह परपेंडिकुलर हो सकता है, दिस इज वन परपेंडिकुलर, सेकेंड परपेंडिकुलर इज दिस वन। तो आप देख सकते हैं वेक्टर ए के, इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अगर ये वेक्टर ए है तो इसके परपेंडिकुलर एक यह होगा और एक यह होगा, ये दोनों ए के परपेंडिकुलर है। दिस इज वन परपेंडिकुलर एंड दिस इज अनदर परपेंडिकुलर। ओके, सो ए के परपेंडिकुलर हमें दो टू मिले, दो डायरेक्शंस मिले, एक यह डायरेक्शन एक यह डायरेक्शन। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये एक्स डैश है तो ये वाई डैश हो जाएगा और ये जेड डैश हो जाएगा। ओके, हम बी के परपेंडिकुलर देखते हैं, सो दिस इज बी एंड बी के परपेंडिकुलर एक मैं अगर खींचूँ एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ बी। सो बी के परपेंडिकुलर एक यह मिलेगा लाइन हमें। ओके, तो ये जो एन है या तो इसके अलाउ होगा मिली, और एक यह परपेंडिकुलर है। सर आप देख नहीं पा रहे होंगे, वन मिनट। सो दिस टू आर परपेंडिकुलर टू बी, दिस इज वन परपेंडिकुलर 90 का एंगल, एंड सेकेंड इज दिस वन, दिस इज 90। एन जो है, ये जो एन है या तो इसके अलॉन्ग होगा या तो इसके अलॉन्ग होगा। उसी तरह ए के लिए या तो एन के अलॉन्ग होगा या तो इसके अलॉन्ग होगा, बट बाय डिफिनीशन एन इज इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दोनों को परपेंडिकुलर, सो यह जो डायरेक्शन है यह बी के तो परपेंडिकुलर है बट ए के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर हम पैरेलल लाइन खींचे हैं यहाँ पर, सेम पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में, सो यह ए के परपेंडिकुलर नहीं है। ए के साथ ये अराउंड 130 एक एंगल बना रहा है। सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बी बट नॉट परपेंडिकुलर टू ए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए, दिस लाइन इस डायरेक्शन में, यह डायरेक्शन ए के तो परपेंडिकुलर है बट बी के परपेंडिकुलर नहीं है। बी के साथ ये अराउंड 40 का एंगल बना रहा है। सो ये दोनों जो डायरेक्शंस हुए हैं, ये दोनों एन का डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। एन का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो दोनों का परपेंडिकुलर हो। सो ए के साथ हमें एक और मिला था यह, और बी के साथ भी हमें ये मिला था यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है। सो ये डायरेक्शन दोनों के लिए परपेंडिकुलर है। देखिए यही पेन इसके लिए भी परपेंडिकुलर है, और ऐसे स्लाइड करके यहाँ ला दूँ तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर है। सो यही डायरेक्शन जो होगा वो होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन।
और इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर जब मैग्नीट्यूड हो गया और उसने यूनिट वेक्टर से गुना कर दिया, एक से गुना कर दिया तो वही रह जाएगा। और यूनिट वेक्टर से गुना करने का मीनिंग क्या है कि ये जो है मैग्नीट्यूड है स्केलर है, स्केलर में हमने वन से और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, ये जो है स्केलर है, स्केलर से हमने वन गुना किया तो वही रह जाएगा। और फाइव था सपोज ये, तो फाइव इंटू वन फाइव ही रह जाएगा और ये डायरेक्शन दे देगा हमें। सो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, और जो एन है वो डायरेक्शन मिल जाएगा। और ये डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी अगर एक्स वाई एक्सिस में हो, ए और बी एक्स वाई एक्सिस में हो तो ये डायरेक्शन जेड होगा। अगर यह ए और बी एक्स वाई प्लेन में ना होकर वाई जेड प्लेन में हो तो एन का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इन सेम वे अगर ये एक्स वाई और वाई जेड ना होकर एक्स जेड हो तो एन का डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर एन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। इसका मीनिंग यह है ये जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो ए और बी के केवल परपेंडिकुलर नहीं होगा, आप इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर खींचे, या खींचे या खींचे या कोई भी वेक्टर आप खींचेंगे, कोई भी वेक्टर आप खींचेंगे जो इस प्लेन में हो, हमने एक्स और वाई प्लेन मान लिया है, सो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर आप खींचेंगे जो यूनिट वेक्टर होगा एन वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सो अगर एक्स वाई प्लेन है तो एन हमेशा जेड डायरेक्शन में होगा। होप यू गेट इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमें क्या मिला था, इनटू एन कैप। सो यह तो डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन देगा हमें, यह क्या होगा यह पार्ट उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द पॉइंट इज ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बट ए क्रॉस ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। पहले हम लोग इसे समझते हैं, इसे मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, उसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसे याद रखेंगे, इसे प्रूफ करना है। सो ए डॉट बी एक्चुअली क्या होगा, आप ए डॉट बी लिखिए या मॉड ऑफ ए डॉट बी लिखिए कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर का मैग्नीट्यूड स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये ऑलरेडी केवल मैग्नीट्यूड है, आप इसके फॉर्म में भी लिखें तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। और इसका वैल्यू होगा ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर अगर बी डॉट ए निकालते हैं आप, तो बी डॉट ए होगा मॉड ऑफ बी डॉट ए भी लिख सकते हैं इसे, बी ए कॉस थीटा, चूँकि ये स्केलर है, कॉस थीटा तो सेम है इसमें, तो आप टू इंटू थ्री करें या थ्री इंटू टू करें एक ही आंसर आएगा। इन दिस वे ए डॉट बी इक्वल्स बी डॉट ए। बट इन केस ऑफ वेक्टर ये ऐसा है कि ए क्रॉस बी करने से जो आपको डायरेक्शन मिलता है, बी क्रॉस ए करने से उसका अपोजिट डायरेक्शन मिलता है, इसे हम लोग देखेंगे जस्ट। इन दिस वे ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। सो हमने देखा ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर एन, वेयर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सो हमने मैंने एग्जाम्पल में यहाँ दिखा भी दिया कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस में है और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस में है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। ए और बी एक्स वाई प्लेन या किसी प्लेन में ना होकर स्पेस में हो, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं दो वेक्टर है, इसका कंपोनेंट या वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग भी है ऐसे, वाई के अलॉन्ग भी है और जेड के अलॉन्ग भी है ये वेक्टर का कंपोनेंट, उसी तरह इस वेक्टर का भी एक्स वाई जेड तीनों के अलॉन्ग कंपोनेंट्स है। और ये वेक्टर ना एक्स एक्सिस में कम्प्लीटली है, ना वाई एक्सिस में कम्प्लीटली है, ना जेड एक्सिस में कम्प्लीटली है, ना ही ये वेक्टर ना एक्स वाई प्लेन में कम्प्लीटली है, ना वाई जेड प्लेन में कम्प्लीटली है, ना जेड एक्स प्लेन में, ये वेक्टर स्पेस में है एक्स वाई जेड तीनों में। सो इस केस में हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक्स वाई के केस में तो हमने बोल दिया दो वेक्टर्स ए बी एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, बट
उस केस में क्या करेंगे जब दोनों वेक्टर स्पेस में हो, वो किसी प्लेन में स्पेशली किसी प्लेन में ना हो। सो लेट्स सी इन दिस केस। सपोज ए इज ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस जेड वन के एंड बी इज ए टू आई प्लस बी टू जे जेड टू के। सो ए क्रॉस बी जो डिफाइंड है इसमें डॉट प्रोडक्ट के केस में हमने ए निकाल दिया था, बी निकाल दिया था, साइन थीटा निकाल दिया था और हमने पुट कर दिया था, आंसर हो गया था। इन दिस केस वी विल डू लिटिल डिफरेंट। और हम क्या करेंगे, जब भी आपको वेक्टर्स थ्री फॉर्म में दिए गए हों आप हमेशा यही करेंगे, आप क्या करेंगे डिटर्मिनेंट खींचेंगे। हो सकता है डिटर्मिनेंट आप पहली बार पढ़ रहे हों, बट डोंट वरी दिस इज नॉट वेरी टफ। सबसे पहले आप आई जे के लिखेंगे, आई जे के, ओके। और आप देखेंगे आई जिसके साथ यहाँ पर लगा हुआ है उसको आप लिखेंगे, आई जे के है यहाँ पर जो उसका कोफिशियंट्स है उसको आप लिखेंगे, ए वन बी वन, सॉरी यहाँ पर सी वन होगा, मैंने गलती कर दिया, ए वन बी वन सी। सो यहाँ पर लिखेंगे ए वन बी वन सी वन। उसके बाद आई जे के इसमें भी है, इसको आप लिखेंगे ए टू बी टू सी टू, यहाँ पर लिख दिया आपने ए टू बी टू सी टू। होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, आई लेंगे केवल, और जो आई आपने लिया उसके अलावा जो रो है और कॉलम है उसको आप टच नहीं करेंगे। अब उसके अलावा क्या बचा, बी वन सी वन बी टू सी टू, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बी वन सी टू क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बी वन सी टू माइनस का साइन लगाएंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बी टू सी वन। फिर ठीक है, आई का काम हमने ख़त्म कर लिया। फिर हम आएंगे जे पे, तो सबसे पहला प्लस से स्टार्ट होता है फिर होता है माइनस, तो आप माइनस जे लिखेंगे, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस प्लस। सो एक्चुअली क्या होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होता है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में होता है, इसे आपको ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ माइनस लेंगे, अब इसके रो को ये तो यही रो कॉमन होगा और इस कॉलम को आप भूल जाएंगे। अब आपको क्या मिलेगा, जो इस रो जो इसके अलॉन्ग रो में है इसके अलॉन्ग कॉलम में नहीं है वो ए वन सी टू, तो ए वन सी टू आप लिखेंगे ए वन सी टू, ओके। उसके बाद माइनस का साइन देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे या ए टू सी वन, होप यू आर गेटिंग। उसके बाद इसका काम ख़त्म हो गया, फिर आप के लिखेंगे, सेम काम करेंगे के अलॉन्ग, इसको भूल जाएंगे, इस रो को भूलेंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे, आपको क्या मिलेगा ये दोनों ए वन बी टू माइनस उसके बाद ए टू बी वन, ये हमको ये भूल जाना है इसको, केवल ये चार है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। सो ये हुआ डिफिनेशन। सो ये ए क्रॉस बी का कंप्लीट डिफिनेशन हुआ, वेयर ए इज ए वन आई बी वन जे सी वन के, बी इज ए टू आई बी टू जे सी टू के। दो वेक्टर्स अगर स्पेस में दिए गए हो तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा और ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा, ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा और ये रिजल्टेंट का जेड कंपोनेंट होगा। सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये फार्मूला आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे एंड यूनिट वेक्टर्स अलोंग जेड एक्सिस इज के। मैंने बोला था कि आप एक्स वाई जेड किसी को भी ले सकते हैं, सो डोंट सरप्राइज कि मैंने जेड इसको लिया है, मैं हर बार वाई इसको लेता हूँ, इट्स माय चॉइस। आई क्रॉस आई से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो आई क्रॉस आई क्या होगा, मॉड ऑफ आई एंड साइन जीरो डिग्री, चूँकि आई आई सेम डायरेक्शन में होंगे, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल जीरो है, सो दिस इज जीरो, साइन जीरो जीरो और
टोटल मल्टीप्लिकेशन जीरो है। सेम वे जे क्रॉस जे आई जे मॉड ऑफ जे क्या होगा वन, मॉड ऑफ जे वन साइन जीरो जीरो सो टोटली जीरो। इन सेम वे के क्रॉस के इज जीरो। यहाँ तक तो आसान था, अब देखते हैं हम आई क्रॉस जे क्या होता है। मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स ए और बी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बट देयर इज अ थ्रिल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो डायरेक्शन हो सकता है, एक डायरेक्शन और दूसरा इधर डायरेक्शन, यानी कि एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब हम कौन सा लेंगे, हम ऊपर की तरफ लें या नीचे की तरफ लें। ये जो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इसने बोला है कि ये ए और बी का परपेंडिकुलर होगा। बट ए और बी का परपेंडिकुलर हमें दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, या एक यह और एक यह। अब हम कौन सा लेंगे, तो ये जो है वो के बी हो सकता है और माइनस के बी हो सकता है। अब ये अब के होगा कि माइनस के होगा ये डिसाइड होता है थंब रूल से। बट आई पर्सनली डोंट लाइक द थंब रूल। ये विल सो मैं आपको कुछ दूसरा मेथड बताऊंगा जो मुझे लगता है कि थंब रूल आसान है। सो आप एक सर्कल क्रिएट करें और यहाँ पर आई लिख लें, यहाँ पर जे लिख लें, यहाँ से के लिख लें और एक एंटी क्लॉक वाइज बना लें, एंटी क्लॉक। सो आई से जे की तरफ जाएंगे, आई से जे होते हुए जाएंगे तो क्या मिलेगा के, आई से जे होते हुए जाएंगे तो क्या मिलेगा के। अच्छा जे से के पूछेंगे तो जे क्रॉस के क्या होगा पूछे तो जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे से के की तरफ जाइए, जे से के की तरफ गए तो क्या मिला आई मिला। ओके के क्रॉस आई क्या होगा, तो फिर आप देखेंगे आई से जे के तो के से आई, के क्रॉस आई मतलब के से आई होते हुए जाएंगे तो के से आई होते हुए जा रहे हैं तो जे मिला। सो आप एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, फिर देखेंगे हम फिर से देखते हैं आई क्रॉस जे तो आई से जे होते हुए जाइए क्या मिला के, जे क्रॉस के तो जे से के होते हुए जाइए क्या मिला आई, के क्रॉस आई के से आई होते हुए जाइए तो क्या मिला जे। अब हम रिवर्स करते हैं सो जे क्रॉस आई क्या होगा, जब भी आप एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आप लेंगे, अगर आपको रिवर्स करना पड़े क्लॉक वाइज तो आप माइनस लेंगे। तो जे से आई की तरफ जाएंगे तो बीच में के मिल रहा है, मुझे डायरेक्ट जाना है तो डायरेक्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये रास्ता कौन सा है, अगर इधर जाते हैं तो एंटी क्लॉक वाइज है, इधर आएंगे तो क्लॉक वाइज, क्लॉक ऐसे घूमता है ना क्लॉक। सो ये क्लॉक वाइज रास्ता हुआ, इधर आएंगे तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉक वाइज प्लस क्लॉक वाइज माइनस। तो जे से आई हो जाएंगे तो हमको के मिलेगा, लेकिन हमको ये रास्ता अपनाना पड़ा तो दिस इज माइनस के। इन सेम वे अगर मैं पूछूँ आपसे आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई से के की हो जाना है, एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो फिर मुझे जे मिलेगा बीच में, बट मुझे डायरेक्ट चाहिए आई के बाद सीधा के चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा क्लॉक वाइज। तो आई क्रॉस के पहुँचेंगे जे पे बट हम क्लॉक वाइज जा रहे हैं सो दिस इज माइनस जे। इन सेम वे आपको अगर निकालना हो के क्रॉस जे तो फिर के से जे जाएंगे तो हमें क्लॉक वाइज जाना पड़ रहा है, पहुँचेंगे आई पे बट क्लॉक वाइज है इसलिए माइनस। तो आप देख सकते हैं आई क्रॉस जे के था बट जे क्रॉस आई अगर मैं पलट दूँ इसे तो माइनस के मिला। इस तरह जे क्रॉस के आई था बट के क्रॉस जे माइनस आई मिला। डैट मीन्स कि अगर आप इसको एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। डैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। अगर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर है, अगर ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है तो इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ए क्रॉस बी यहाँ पे जो है ए क्रॉस बी वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, आई क्रॉस जे जे क्रॉस आई के बराबर नहीं है, सो इसलिए बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। डैट मीन्स ए क्रॉस बी जो होगा इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। गॉट इट, ए क्रॉस बी इक्वल किसके होगा, वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। अब आपने देख लिया ए क्रॉस बी कैसे इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, बट ए डॉट बी इज बी डॉट ए, तो हम लिख सकते हैं बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, क्योंकि हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। गॉट इट।
सो बिफोर गोइंग टू प्रॉब्लम लेट्स सी वाई वाट वी हैव स्टडी टुडे. सो ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप कि आई क्रॉस जे के होता है जे क्रॉस के आई होता है एंड के क्रॉस आई जे होता है. सो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्रॉस ए. हमने और देखा कि यदि ए इक्वल्स ए वन आई बी वन जे सी वन के और बी इक्वल्स सो ए क्रॉस बी इज इन दिस फॉर्म आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू. अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे. आई सजेस्ट यू बिफोर गोइंग टू प्रॉब्लम सजेस्ट करूँगा कि आप इसका डेरिवेशन फिर से एक बार देख लें जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी. सो द क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5 यूनिट बी हैज मैग्नीट्यूड 6 यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो द गिवन मॉड ऑफ ए इज 5 मॉड ऑफ बी इज 6 mod of a cross b is here magnitude is given so you have to write in this way and this is equals mod of a mod of b equals sin theta. I am not putting the direction because here in this question we have to deal with only magnitude. So a cross b ka magnitude kitna hai 15 hai a ka magnitude 5 b ka magnitude 6 this is sin theta. So sin theta equals 15 5 into 6 30 by divide 15 by 5 into 6 30 divide mein jayega. So this is half. So sin theta equals half this is theta equals 30 degree answer. Next question a is given 2i minus 3j plus 7k b is I plus 2k c is j minus k find a dot b cross c. So from the Bodmas rule pehle hum bracket ekam karenge. So first find b cross c. Let D is a vector which equals B cross C. So आपका question change हो चुका है. Question जो है अब इस question को आप लिख सकते हैं find A dot D where D is B cross C. तो पहले हम D निकालते हैं B cross C निकालते हैं. So I J K हमें B C का निकालना है. So this is B and this is C. तो B के लिए I का कोएफिशिएंट क्या है 1 है कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है. सकते हैं वेक्टर B में J का कोई कंपोनेंट नहीं है Y एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है दैट मीन्स J कंपोनेंट इज 0 X के अलोंग 1 था K के अलोंग मीन्स Z एक्सिस के अलोंग 2 है तो हमने 2 रख दिया. इन केस ऑफ C देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग X एक्सिस बिकॉज देयर इज नो I हियर सो कोएफिशिएंट ऑफ I इज 0 कोएफिशिएंट ऑफ जे इज 1 कोएफिशिएंट ऑफ के इज माइनस 1. ओके होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम कमेंट इन कमेंट बॉक्स आई विल हेल्प यू. सो आगे आप लिखेंगे आई मैंने बताया था कि आप इस रो को और इस कॉलम को भूल जाएंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू 2 2. नेक्स्ट ये प्लस आई था उसके बाद हम लेते हैं माइनस जे अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जब मैंने ये डेरिवेशन किया था एक जब मैंने डेरिवेशन किया था ए क्रॉस बी जब मैंने डेरिवेशन किया था तो वहाँ जाके आप देख लें. इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो में बैक जाकर डेरिवेशन एक बार देख लें फिर आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होगी. आगे देखते हैं. सो माइनस जे मैं हम लोग अभी इस रो को नहीं छुएंगे इस कॉलम को नहीं छुएंगे. सो दिस इज 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 इंटू 2 0. आगे हम देखेंगे प्लस के अब हम लोग इस रो को के इस रो को और इसको नहीं छुएंगे हमको इससे मतलब है 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0. सो अब यहाँ तक हो गया. इसके बाद काफ़ी आसान है 0 इंटू माइनस 2 माइनस 2 तो माइनस 2 आई. ओके
माइनस माइनस जे इंटू माइनस वन, माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन में जीरो घटाएंगे तो माइनस वन ही बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस जे, दिस इज के इंटू वन के। सो वी हैव कैलकुलेटेड द डी, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए डॉट डी, वी हैव टू फाइंड ए डॉट डी। सो ए डॉट डी इज, व्हाट इज ए, ए इज टू आई माइनस थ्री जे प्लस सेवन के, डॉट डी इज माइनस टू आई प्लस जे प्लस के। सर मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, जे के जे से, और के के कोफिशिएंट को के से, और सबको प्लस कर देते हैं। सो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, प्लस सेवन इंटू वन प्लस सेवन, सो दिस विल बी माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन प्लस सेवन इक्वल्स जीरो। सो हमें रिजल्ट जीरो मिला, एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ए डॉट डी जीरो है, ए डॉट डी जीरो आया है, डैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है। डैट मीन्स जो ए है और बी क्रॉस सी है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। याद कीजिए मैंने बताया था कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी। सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। सो आंसर क्या होगा इसका, फाइनल आंसर इज जीरो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, आई हैव चूजन दिस प्रॉब्लम फ्रॉम द एससी और माई बुक। I was in class 11 in 2006. I solved this question in the first time and I was quite happy because this question is very good, very conceptual. So, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कीजिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, द वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने से एक बार ट्राई करें और देखिए आपका क्या आंसर आता है, देन मैं इसे सॉल्व करता हूँ फिर। सो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, इन केस आपने ट्राई नहीं किया है सो इट्स वेरी बैड, बट सो लेट मी सॉल्व इट। यू नो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ ऑन पेन पेपर। सो जो वेक्टर ए है वो वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड मीन्स या वर्टिकली अपवर्ड मीन्स दिस। सो दिस इज वेक्टर ए, वॉट इट। सो अगर इसको ऊपर का डायरेक्शन मैं के मानूँ, सॉरी मैंने ये बताया नहीं, हम लोग इस डायरेक्शन को आई बोलते हैं और इस डायरेक्शन को माइनस आई बोलते हैं, इस डायरेक्शन को जे बोलते हैं, इस डायरेक्शन को माइनस जे बोलते हैं, और ऊपर का डायरेक्शन को के बोलते हैं, ये ऊपर का डायरेक्शन के और नीचे का डायरेक्शन को माइनस के बोलते हैं। नाउ सो जो ए वेक्टर है वो अपवर्ड है, अपवर्ड मीन्स के डायरेक्शन में है। सो हम मान लेते हैं जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए है, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। सो ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड यह हुआ और डायरेक्शन जो है के है, क्योंकि इसने दिया हुआ है वर्टिकली अपवर्ड। बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, बी जो है नॉर्थ की तरफ है, बी जो क्या है नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ। सो यह डायरेक्शन हम जे बोलते हैं। सिंस हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ, द मॉड ऑफ वेक्टर बी इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज जे। फिर क्वेश्चन आसान हो गया, आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। एक्चुअली डायरेक्शन की ओर निकालना है, सो हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन पर फोकस करेंगे हम। लेंगे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए इज के बी इज जे, और के क्रॉस जे क्या होता है, रिमेंबर मैंने सर्कल बताया था आपको, आई जे के, ओके और ऐसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाना बताया था। सो के क्रॉस जे, के से जे की ओर जाना है एंटी क्लॉकवाइज, बट ये रास्ते में आई मिल रहा है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स जब करेंगे माइनस होगा, सो के क्रॉस जे क्या होगा, इधर इधर जाएंगे आई पे, बट हमें रिवर्स करके क्लॉकवाइज जाना पड़ा, दिस इज माइनस आई। सो माइनस आई, सो दिस इज प्लस आई, दिस इज माइनस आई, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो आंसर इज अलोंग वेस्ट। So, including this video, I have made
19 videos in the vector playlist. I have completed almost all topics in vector. I will make one more video regarding vector, और जिसमें मैं explain करूँगा अगर कुछ छूटा हुआ होगा.